हेलो बच्चों, कैसे हो? पढ़ रहे हो? वेलकम टू माय नर्चर। और उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं बहुत जल्द डी फार्म के कुछ लेक्चर्स वगैरह डालूंगा, जिससे कि आप लोगों को पढ़ने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। तो डी फार्म फर्स्ट ईयर जो लेटेस्ट सिलेबस है, अभी मॉडिफाइड हुआ है फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए, ठीक है ना? उसी के हिसाब से ये आज हमारा चैप्टर नंबर 1, लेक्चर नंबर 1 रहेगा। और जो टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं वो टॉपिक्स हैं एम्स, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ठीक है? बहुत से बच्चे हिंदी मीडियम से भी होते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा बहुत सारे टर्म्स को एक्सप्लेन करने के लिए हिंदी में। और अदरवाइज जहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है तो डिक्शनरी का यूज़ करें, ठीक है? गूगल का यूज़ करें। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग। टॉपिक हमारे पास हेडिंग है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। और सबसे पहला ही क्वेश्चन सबसे पहले अराइज हो जाता है जब टॉपिक पढ़ने जा रहे हो कि बताओ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होती क्या है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होती क्या है? व्हाट इज फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री? ये तो पता ही होना चाहिए कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या होती है। केमिस्ट्री अपने आप में एक साइंस है। केमिस्ट्री में बहुत सारी ब्रांच है, जैसे इंटर में तुम लोग पढ़े होगे, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक होती है, फिजिकल केमिस्ट्री होती है, ठीक है? और हमारे पास क्या होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसी तरह जब हम लोग मेडिसिन की फील्ड में आ जाते हैं, दवाइयों के क्षेत्र में आते हैं, तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आती है हमारे पास, ठीक है ना? तो ये बताता है, ये वो केमिस्ट्री है जहां पर हम लोग डील करते हैं। जहां पे हम लोग डील करने का मतलब क्या हो गया? जहां पे हम लोग डील कर रहे हैं, डील करने का मतलब जहां पे हम लोग जानेंगे किसके बारे में? ड्रग की डिजाइन के बारे में। देखो, ड्रग डिजाइन से क्या मतलब है? ड्रग डिजाइन एक अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट चीज टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। ड्रग की डिजाइन से मतलब होता है कि ड्रग के जो केमिकल फॉर्मुलेशन है, जो केमिकल फॉर्मुलेशन में जरा सा भी अगर हमें एक फंक्शनल ग्रुप बदल जाता है तो वही ड्रग जो हमको एक फायदा पहुंचा रहा था, तो वही ड्रग हमारे लिए क्या कर सकता है? पॉइजन की तरह काम कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो हम लोग यहाँ बेसिकली काम करते हैं किसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं? ड्रग के डिजाइन के बारे में। एंड बायोलॉजिकली एक्टिव। बायोलॉजिकली मतलब, बायो मतलब लिविंग होता है, बायोलॉजिकल मतलब जो चीजें जिंदा हैं, जो जीवित चीजें हैं, उनके अंदर के मॉलिक्यूल, उनके अंदर के एक्टिव मॉलिक्यूल। जैसे कि मैं बात करूं, जैसे आप और हम लोग हैं, हम लोगों के अंदर मॉलिक्यूल कौन कौन से पाए जाते हैं, ठीक है? ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, और दुनिया भर के मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं। उन मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो उनको हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स। क्या कहा जाता है? बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स तो जनरल पता ही होगा, मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है? और बायोलॉजिकली एक्टिव का मतलब क्या हो गया? वो सारे मॉलिक्यूल्स जो जीवित जीव जंतुओं के अंदर पाए जाते हैं, उनको हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। क्योंकि अल्टीमेटली जो ड्रग हम डालेंगे, डालने का मतलब है कि बॉडी के अंदर जब हमारी जाएगी, तो वो इन्हीं जो बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है, ये जो ड्रग होती है, इन्हीं बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स के साथ क्या करती है? इंटरेक्ट करती है और अपना असर दिखाना स्टार्ट करती है, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। एम एम की बात करें अगर हम लोग, तो क्या एम है? हम लोग क्या उद्देश्य है, क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, क्या लक्ष्य क्या है हम लोगों का? तो मेन एम क्या है यहां पर? यहां पर मेन एम की बात हो रही है, ठीक है? टू ऑप्टेन अ न्यू केमिकल। भाई अगर आज से हम 50 साल, 100 साल पहले चले जाएं तो बहुत से केमिकल्स के बारे में हम लोग नहीं जानते थे। अब धीरे 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 जैसे रिसर्च होती जा रही है, नए नए केमिकल्स आते जा रहे हैं, न्यू न्यू फॉर्मुलेशन आती जा रही है, ठीक है ना? डेट कुड इनेबल। नया केमिकल हमको जब हम जानेंगे तो उससे हमको होगा क्या? इनेबल करता है, जो हमें सक्षम बनाता है डिस्कवरी ऑफ न्यू फार्मास्यूटिकल्स। न्यू फार्मास्यूटिकल्स से अगेन मतलब वही है कि कुछ नई दवाइयां बनाने में, जब हम कुछ नया केमिकल जान पाए कि हाँ ये केमिकल मौजूद है, उससे हम अपनी एक नई दवा बना पाएंगे। जैसे कि किसी कभी किसी ने सोचा नहीं था कि सांप के ही जहर से मेडिसिन बनेगी, सांप के जहर का काट बनेगा, ठीक है ना? उसको हम लोग कैसा मानते थे? पॉइजनस केमिकल मानते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, सांप के जहर से हम लोग क्या बनाते हैं? मेडिसिन बना लेते हैं। जब नया केमिकल पता चला, उसको हमने अपने बॉडी के ऊपर, मतलब लिविंग सेल्स के ऊपर रिएक्ट चेक किया, टेस्ट किया, और फिर हमने उससे क्या बना लिया? एक हेल्पफुल मेडिसिन बना ली, ठीक है? नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो? इनेबल करता है डिस्कवरी ऑफ न्यू फार्मास्यूटिकल और इनहेंस, या फिर जो हमारे पास पहले से ही ऑलरेडी नोन, जो नोन मतलब जिसको जानना, नोन मतलब क्या हो जाएगा? जानना, जिसको हम लोग पहले से ही जानते हैं,
ऐसे ड्रग के स्ट्रक्चर में हम लोग क्या कर पाते हैं, मॉडिफिकेशन कर पाते हैं। डिस्प्रिन एस्प्रिन ये नाम सुने होंगे, जरा जरा सा अंतर होता है ड्रग्स में और ड्रग हमारी क्या होती नहीं हो जाती है। ड्रग के स्ट्रक्चर को क्यों चेंज करना है, ड्रग के स्ट्रक्चर को इसलिए चेंज करना है थोड़े से चेंज के साथ क्या होता है, थोड़ा सा भी ड्रग के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगा अगर, तो जो पुराना ड्रग है वो क्या होता है, हो सकता है उसके साइड इफेक्ट ज्यादा हो। थोड़ा सा स्ट्रक्चर में चेंज करके एक नया फॉर्मुलेशन तैयार हो जाता है, एक नया फॉर्मूला तैयार हो जाता है, और जो नया फॉर्मूला आएगा हमारे पास वो कैसा होगा, ज्यादा इफेक्टिव होगा पहले वाले ड्रग से, साथ ही साथ क्या होगा वो उसके साइड इफेक्ट काफी कम होंगे। क्या होंगे उसके साइड इफेक्ट, काफी ज्यादा कम होंगे। तो क्या एम है इसका, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का क्या एम है, नए केमिकल मॉलिक्यूल को जानना या बनाना, ऑब्टेन करना। उससे क्या होगा, उससे हम लोग कुछ नए फार्मास्यूटिकल्स बना पाएंगे, यानी कुछ नए मेडिसिन बना पाएंगे, या फिर जो मेडिसिन पहले से ही मौजूद हैं उनके स्ट्रक्चर को क्या कर पाएंगे, इनहेंस कर पाएंगे। इनहेंस का मतलब है मॉडिफाई कर पाएंगे, उन्हें और अच्छा कर पाएंगे। क्लियर है, मैं साथ साथ में पूरा हिंदी में डिटेल करता हुआ चल रहा हूं। जिन लोगों को प्रॉब्लम है थोड़ा सा क्या कहते हैं इंग्लिश में, वीडियो को पॉज करें और उसकी हिंदी साथ में लिखते चलें। क्लियर है, ओके। ऑब्जेक्टिव, यहां पे अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव की, तो आओ देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव का मतलब भी क्या है, उद्देश्य ही है, लक्ष्य ही है, लेकिन यहां पर क्या है वो हमारा एक मेन हो गया था, एम क्या है। ऑब्जेक्टिव देखो क्या है, टू इनहेंस द नॉलेज, इनहेंस, इनहेंस का मतलब क्या होता है, बढ़ाना। इनहेंस मतलब बढ़ाना, या इनहेंस का मतलब क्या होगा, किसी चीज को बहुत बड़े लेवल पे बढ़ाना, है ना, बहुत ज्यादा हम लोग लिख सकते हैं यहां पर क्या है, ये बहुत ज्यादा बढ़ाना। टू इनहेंस द नॉलेज ऑफ सिंथेसिस, कोई चीज कैसे बनाई जाती है, सिंथेसिस मतलब बनाना। आइसोलेट करना किसी चीज को, मान लो मैं तुमसे कह दूं कि नमक और चीनी को पिघला करके मिला दूं, ठीक है, या मैंने चीनी को पानी में घोल दिया, सपोज बहुत बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं, चीनी को पानी में घोल दिया और मैं तुमसे कहूं कि इसको अलग करो अब चीनी को इस पानी से, तुम कहोगे सर कैसे करें, तो ऑब्वियसली बात है बहुत बेसिक सा प्रोसेस तुम लोग जानते होगे कि हम उस पानी को क्या करेंगे, हीट कर देंगे। पानी जब हीट होकर चला जाएगा तो लास्ट में क्या बचेगा, चीनी के कण बच जाते हैं। तो किस तरह से हम कोई चीज नहीं बनाए, आइसोलेट करना मतलब अलग करना, देन प्यूरिफाई, जो चीज हमने अलग कर ली है उसको क्या करना है, प्यूरिफाई भी करना है। प्यूरिफाई करने का समझ रहे हो, बिल्कुल साफ कर देना, उसके अंदर एक्स्ट्रा चीज कुछ भी नहीं होनी चाहिए। एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ वेरियस फार्मास्यूटिकल, या कैरेक्टराइजेशन का मतलब क्या है कि हम लोग कोई चीज नहीं बनाएंगे, उसे अलग करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे, फिर उसका नामकरण कर देंगे, कैरेक्टराइज कर देंगे कि ये चीज ऐसी है, इसका ये इफेक्ट होता है, इससे हम ये कर सकते हैं, कैरेक्टराइजेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग कहते हैं अरे वो लड़का है वो तो क्रिकेट भी खेलता है, दिन भर घूमता भी है, पढ़ाई भी अच्छी करता है, हम कैरेक्टराइजेशन कर रहे हैं, हम कह रहे हैं वो ऑलराउंडर है। एक को हम कह रहे हैं अरे वो तो गधा है, कुछ करता ही नहीं है, ठीक है, उसकी बस का कुछ नहीं है। ये क्या किया हमने, दो लोगों को कैरेक्टराइज कर दिया। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, जो नया ड्रग मिल रहा है हमको, उसको सिंथेसाइज करेंगे, आइसोलेट करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे। प्यूरिफाई करना मतलब साफ सुथरा करेंगे उसे, मतलब साफ सुथरा मतलब बिल्कुल प्योर कर देंगे, उसके अंदर उसके अलावा कोई और कण मौजूद नहीं रहेगा, और कैरेक्टराइज कर देंगे। फिर कह रहा है टू इनहेंस द स्किल्स ऑफ इफेक्टिव हैंडलिंग, हमको दवाइयों को हैंडल करना आना चाहिए। केमिकल जो होते हैं लैब में काम कर रहे हैं या कहीं और पे काम कर रहे हैं, तो उनकी हैंडलिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। इफेक्टिव हैंडलिंग ऑफ केमिकल्स, ग्लासवेयर एंड एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो मेरे पास ग्लासवेयर हैं, ग्लासवेयर का मतलब जो मेरे पास कांच के ग्लास हम लोग यूज करते हैं, जो केमिकल्स हैं, और जो एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट है, एनालिटिकल का मतलब एनालाइज करना, जांचना, जो इंस्ट्रूमेंट हमको जांच में हेल्प करते हैं। क्या जांचते हैं हम लोग, केमिकल्स वगैरह की जांच कर रहे हैं कि वो कैसा है, उसमें कितनी क्वालिटी क्या है, उसमें कितनी इंप्योरिटी वगैरह है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनको हम लोग जांच रहे हैं उसकी हैंडलिंग करना। टू इनकरेज स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी फॉर रिसर्च एक्टिविटी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की हेल्प से, अब मैं ये सब बातें बता रहा हूँ तुम लोगों को बड़ा इंटरेस्ट आ रहा होगा कि अरे वाह बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ है, तो हम लोग प्रोत्साहित करते हैं। इनकरेज का मतलब क्या है, प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप लोग पढ़िए, लैब में जाइए, ठीक है ना, और कुछ नया रिसर्च कीजिए जिससे कि ह्यूमन, जो ह्यूमन के काम में आए, ठीक है, उस रिसर्च को हम लोग क्या करते हैं, इनकरेज करने की कोशिश करते हैं। टू प्रोवाइड प्रॉपर क्वालिटीज एंड स्किल्स टू द स्टूडेंट रिक्वायर्ड टू फुलफिल द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से हम लोग एक प्रॉपर स्किल्स, है ना, स्किल मतलब कौशल, एक स्टूडेंट को प्रॉपर तैयार करते हैं
उसकी क्वालिटीज उसके अंदर डेवलप करते हैं, उसको प्रॉपर तैयार कर रहे हैं, इसके अंदर स्किल्स, उसके अंदर कौशल डेवलप कर रहे हैं कि किस तरीके से जब तुम किसी जॉब में जाओगे तो वहां पर तुम एज अ केमिस्ट के तौर पर किस तरीके से फार्मास्यूटिकल्स को हैंडल करना है, क्या क्या करना है, क्या क्या चीजें होती हैं, कहां कहां पर फार्मास्यूटिकल केमिकल्स में या बायोमेडिकल इंडस्ट्रीज में, अगर आप इंडस्ट्रीज में जाते हैं तो वहां पर आप कैसे कैसे डील करेंगे, क्या क्या चीजें पता ही नहीं है, चलेगा बेवकूफ बन के इंटरव्यू वगैरह हो रहा है, लैब में काम कर रहे हो और वहां पर आपको जानते नहीं हो, तो कैसे सर्वाइव कर पाओगे, कैसे जॉब मिलेगी तुमको, है ना। तो उस जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर पाओ, इसके लिए भी ये भी हमारे यहाँ पर एक क्या है ऑब्जेक्टिव है, टू ट्रेन द स्टूडेंट अबाउट सेफ हैंडलिंग। हम लोग सिखाते हैं, टीचर सिखाते हैं बच्चों को कि आप सेफ हैंडलिंग कीजिए। सेफ हैंडलिंग मतलब नुकसान ना हो, कोई केमिकल अगर आप यूज कर रहे हैं तो उस केमिकल से आपका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, इस तरह से इस्तेमाल कीजिए। एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द हजार्डस मतलब नुकसानदायक इफेक्ट, अगर कोई केमिकल है तो उसके साइड इफेक्ट क्या हैं, उसके बुरे असर क्या हो सकते हैं अगर उसको सही से इस्तेमाल नहीं करोगे, ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है ना। तो ये जो लैंग्वेज है यहाँ पर आप लोग इसको हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज चाहो तो इसको और सिंपल लैंग्वेज अपनी भाषा में इसको लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये चार या पांच हमारे पास ऑब्जेक्टिव हैं, फिर देखते हैं आगे क्या हमारे पास। देन स्कोप, स्कोप से क्या मतलब है, स्कोप से मतलब होता है कि हम लोग कहाँ कहाँ पर या किस किस फील्ड में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ कहाँ ये करने के बाद फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ तो रहे हैं, फिर क्या इसको हम आगे जाकर कहीं यूज करेंगे, क्या स्कोप है इसको, क्या इससे हमें कोई जॉब मिल जाएगी या कुछ और हो जाएगा। तो आओ देखते हैं, अगर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में अगर तुम एक्सपर्ट हो जाते हो तो उससे हमको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो पहला बेनिफिट मिलेगा डेवलपमेंट एंड फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग, पहला स्कोप तो यही है कि हमें नया ड्रग बना सकते हैं, फॉर्मुलेशन कर सकते हैं नए ड्रग का, वेरी सिंपल, ठीक है ना। ट्रीटिंग पेशेंट विद डिजीज, भाई जो पेशेंट जब बीमार होगा हमें पता ही नहीं है कौन सा ड्रग उसके ऊपर इस्तेमाल करना, कहां से पता चलेगा, जब तुम क्या करोगे ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को जानते होगे तो कहीं ना कहीं वो हमको पेशेंट को ट्रीटमेंट ये नहीं करेगा, यही हेल्प करेगा पेशेंट को ट्रीट करने में जो बीमारी से ग्रसित है। टू एनालाइज, फिर कह रहा हूं एनालाइज मतलब जांचना द इफेक्ट, अफेक्ट नॉट इफेक्ट, दिस इज अफेक्ट, अफेक्ट मतलब प्रभाव, अफेक्ट मतलब प्रभाव, डिफरेंट एनिमल्स केमिकल्स के प्रभाव क्या हो सकते हैं उसको भी जांचते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फोर्थ नंबर पे, द ड्रग एप्लीकेशन बाय फ्रॉम फार्मास्यूटिकल कंपनीज आर रिव्यूड बाय, ड्रग की जो एप्लीकेशन होती है, मान लो कोई कंपनी है, कोई कह रही है हमने ये ड्रग बना लिया है और ये ड्रग बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, इसको इसमें इस्तेमाल करो, तो ठीक है कंपनी ने बोल दिया, उस ड्रग को क्या करती है जो FDA होती है वो बुलाती है, मंगवाती है, वो FDA जब अपने पास मंगवा लेती है तो अपनी लैब में वहां पे जो केमिस्ट होते हैं, यानी कि यहां पे भी किसका काम है, केमिस्ट, उस ड्रग को क्या करती है, रिव्यू करती है, रिव्यू करने मतलब जांचती है, क्या ये कंपनी जो दावा कर रही है कि हमने जो नया दवाई बनाई है ये इंसान के लिए सही है और इस तरह से असर कर रही है, क्या ये दवाई सही है। तो ये लोग यहां पर क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं, रिव्यू करने का मतलब उसको रिव्यू करते हैं, जो चीज बोली है उसी चीज को दोबारा से चेक करना। देन क्या बोल रहा है, पांचवा क्या है इसका ऑब्जेक्ट, स्कोप क्या है, सिंथेटिक फार्मास्यूटिकल, सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियल, जो हम लोग खुद से बनाते हैं। एंड एनालिटिकल फार्मास्यूटिकल, एनालिटिकल मतलब जांच करने वाली फार्मास्यूटिकल जो ब्रांच है हमारे पास, इसकी दो ब्रांच हम और तोड़ सकते हैं जहां पर हम लोग क्या है इसका स्कोप है, जा सकते हैं या कुछ काम कर सकते हैं। सिंथेटिक फार्मास्यूटिकल और एनालिटिकल जांचने वाला फार्मास्यूटिकल्स आर द टू डिस्टिंक्ट फील्ड ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के दो अलग अलग ब्रांच हैं, दोनों सेम नहीं है। अब देखो दोनों में होता क्या क्या है, जो सिंथेटिक फार्मास्यूटिकल है इसमें क्या हो रहा है, सिंथेटिक फार्मास्यूटिकल हम लोग क्या कर रहे हैं, इन दिस जो न्यू ड्रग्स होती हैं, जो नई ड्रग है एंड जो प्रोडक्ट है, जो नया दवा कोई नया केमिकल है और जो उसके प्रोडक्ट है, उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, यानी कि यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक तरह से न्यू थिंग्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, बना रहे हैं, बात समझ में आ रही है, इन द मोस्ट इफेक्टिव वे एंड जनरेट लीस्ट साइड इफेक्ट, हम लोग ऐसी चीज बना रहे हैं जिसका इफेक्ट बहुत अच्छा हो, ठीक है, और जो उसके साइड इफेक्ट हो लीस्ट, कम से कम साइड इफेक्ट हो, जो अपने साइड इफेक्ट कम से कम बनाए। तो सिंथेटिक फार्मास्यूटिकल में हम लोग किसी चीज को क्या कर रहे हैं, सिंथेसाइज कर रहे हैं, सिंथेटिक का मतलब ही है बनाना,
सिंथेटिक का मतलब क्या हो गया, बनाना। ओके, जो चीज बना ली है उसको चेक तो कर लें क्या ये चीज सही है, तो ये आ जाती है मेरे पास क्या, एनालिटिकल, जांच तो लें इसको हम लोग, क्या ये जो हम लोगों ने बना लिया है क्या ये चीज सही है। बात समझ में आ रही है, एनालिटिकल फार्मास्यूटिकल, इन दिस द ड्रग इज रिफाइंड बाय यूजिंग वेरियस एनालिटिकल मेथड, इसको हम लोग रिफाइन करते हैं, एनालाइज कर रहे हैं उसे, हम और ज्यादा फाइन बना रहे हैं, उसके साइड इफेक्ट को और ज्यादा मिनिमाइज कर रहे हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं, जो तरीके अभी हमको यहाँ पर नहीं जानने हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं एनालिटिकल मेथड, जहाँ पे हम उसको क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, जांचते हैं और उसको और भी ज़्यादा रिफाइन करते हैं, यानी कि और भी ज़्यादा उसके साइड इफेक्ट्स को हम लोग कम कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है, तो ये इसके स्कोप थे, ठीक है। स्कोप में हम लोग एक चीज़ और कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, जब हमारे पास एग्जाम में सवाल आएगा तो एम्स, ऑब्जेक्टिव और स्कोप ही एक साथ आता है, तो उसमें एक सवाल और कई बार आ जाता है, हम लोग उसमें डाल सकते हैं, स्किल्स रिक्वायर्ड इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में क्या क्या स्किल्स चाहिए, क्या क्या तुम्हारे पास, अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जा रहे हो तो वहां जाने से पहले तुम्हारे पास कौन कौन से गुण होने चाहिए, कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए। तो तुमको सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हारा स्किल होना चाहिए, यानी कि तुमको सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में अच्छी खासी नॉलेज हो और उसको तुम्हें डील करना आना चाहिए। सिंथेटिक मतलब समझ रहे हो ना, जो हमारी जो हम लोग खुद आर्टिफिशियल जो हाथों से बनाते हैं, नेचुरल नहीं, सिंथेटिक। हैव एबिलिटी टू प्यूरिफाई ड्रग्स एंड इंटरमीडिएट, जो ड्रग्स हम लोग है, क्षमता होनी चाहिए, हमको पता होना चाहिए कि ड्रग्स को कैसे प्यूरिफाई करते हैं, ड्रग्स को कैसे प्यूरिफाई करते हैं, या जिस समय हम लोग ड्रग्स बना रहे हैं, मान लो सपोज कोई ड्रग है, ठीक है, ए उसको बी में कन्वर्ट किया, फिर सी में कन्वर्ट किया और फाइनली डी, ये मेरे पास क्या था, मेरे पास ये आ गया मेन प्रोडक्ट, ये क्या आ गया, मेन प्रोडक्ट आ गया। तो देखो यहां पर क्या था, मेन ड्रग ये रहा और ये बीच में, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, ये बीच में क्या हो गए, मेन प्रोडक्ट्स हो गए, ये बीच में क्या हो गए, मेन प्रोडक्ट्स, सॉरी मेन प्रोडक्ट नहीं, सॉरी ये मेन प्रोडक्ट नहीं है, दीज आर इंटरमीडिएट्स, ये क्या है, इंटर, पूरा ये काट के लिखता हूं सही से, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट मतलब जो बीच में हमारे पास केमिकल बनते हैं भाई, पहले ए से बी बनाया इसको प्यूरीफाई करो, फिर बी से सी बनाया इसको प्यूरीफाई करो, फिर सी से फाइनली डी बनेगा, अगर इनको प्यूरीफाई नहीं करोगे तो इनकी जो मिलावट है वो फाइनल कहां पहुंचेगी, हमारे डी वाले प्रोडक्ट में पहुंच जाएगी, ठीक है। ये भी हो गया, मस्ट नो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है ना, स्पेक्ट्रोस्कोपी करनी आनी चाहिए, स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसे की जाती है, इस टेक्निक को जानना, कैसे किया जाता है मशीन को इसे। तो थर्ड पॉइंट क्या हमारे पास, थर्ड पॉइंट हो गया है, फोर्थ पॉइंट क्या है, मस्ट हैव टीम वर्क एबिलिटी एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। टीम वर्क एबिलिटी की क्यों जरूरत है, तो जो टीम वर्क एबिलिटी है वो हमें क्यों चाहिए होती है, क्योंकि जो टीम वर्क अगर नहीं कर पाओगे, क्योंकि कोई भी काम होता है, टास्क होता है, जब लैब में कर रहे होते हो या कहीं पे आप कर रहे हो, ऑफिस वर्क कर रहे हो, तो वहां पर क्या है, चार पांच लोग मिल करके किसी काम को कर रहे होते हैं, एक बंदा प्रोडक्ट को रिएक्ट करवा रहा होता है, दूसरा प्यूरीफाई कर रहा होता है, तीसरा किसी केमिकल के साथ काम कर रहा होता है, तो टीम वर्क बहुत जरूरी है, आप बिना टीम वर्क के काम नहीं कर सकते। इंटरपर्सनल स्किल, एक दूसरे से तालमेल बैठाओ, या एक दूसरे से तालमेल बैठाने की स्किल्स, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं वो भी होनी चाहिए आपके अंदर जब आप काम करते हो। गुड कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेशन, आपके अंदर कम्युनिकेट करने की क्षमता होनी चाहिए, जो चीज आप कर रहे हो उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाओ किसी दूसरे को कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और एक दूसरे से जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो अपने वर्क प्लेस पर, तो वो काफी अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हमारे पास ये सारी चीजें जो है, एक स्किल्स चाहिए होती है एक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के लिए, एक कैंडिडेट के अंदर, तब कहीं जाकर के वो प्रॉपर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इंडस्ट्री में जा सकता है और अपना काम कर सकता है। और ये सारी बातें थी हमारे पास, सबसे पहला चैप्टर के कुछ बेसिक से टॉपिक्स थे। तो ये लेक्चर्स रेगुलर बेस पे मैं डालता रहूँगा ग्रुप में, ठीक है ना। प्लस तुम लोगों को ये लेक्चर जो मिलेंगे, जो पॉइंट्स में दे रखे हैं, इनको चाहो तो अलग से निकाल करके एक प्रॉपर कॉपी को मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, जो मैं रेगुलर वीडियोस डालूंगा वो अपडेट और नोटिफिकेशन तुम्हारे पास तक
आते रहेंगे। क्लियर है? तो ठीक है, आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। जो नया टॉपिक होगा आई थिंक वो एरर्स के बारे में है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।